हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ दीपांशु एंड वेलकम टू द लर्नोलॉजी कोडिंग। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने डेवलपमेंट टाइम को सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग उडू टेम्पलेट्स। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम क्यू वेब रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपने फ्रंट एंड पर चलते हैं और देखते हैं क्यू वेब रिपोर्ट होती क्या है। तो सबसे पहले मैं सेल्स के मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड ओपन करके या प्रिंट के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक बटन आएगा कोटेशन और ऑर्डर। उस पर क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट डाउनलोड होती है जो कि पीडीएफ टाइप की होती है। तो यहाँ पर डाउनलोड हो गई और इसे अगर ओपन करेंगे तो ये रिपोर्ट खुल जाएगी। तो ये रिपोर्ट पीडीएफ टाइप की होती है एंड इसके अंदर जो भी हमारे रिकॉर्ड के अंदर डेटा होता है वो सब इसके अंदर हम फैच कर सकते हैं। सो अगर ये रिपोर्ट अगर हमें अपने मॉड्यूल के लिए बनानी है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे रिपोर्ट्स नाम का। एंड इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे स्टाफ रिपोर्ट डॉट एक्सएमएल। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम मैनिफेस्ट में भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि रिपोर्ट हमारी एक्सएमएल टाइप के फाइल में इंक्लूड होगी, तो इसलिए हम मैनिफेस्ट में भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और लाइन ऐड कर लेते हैं रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट्स एंड अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। सो रिपोर्ट्स फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उडू अंडरस्कोर हम ये इंक्लूड करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा उडू टेम्पलेट का यूज़ करेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम उडू की टेम्पलेट यूज़ करके हम सबसे पहले जो क्यूवेब की टेम्पलेट है उसका कोड हम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ से जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उसको हटा देंगे हम और जो यूज़ करना है हमें उसको रख लेंगे। सो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट होता है क्यू वेब रिपोर्ट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ एक यूनिक आईडी बनाएंगे, तो रेस्ट स्टाफ क्यू वेब रिपोर्ट टेम्पलेट। जहाँ जहाँ रिपोर्ट लिखा है वहाँ वहाँ हम वेब कर देंगे। सो ये यहाँ पर टीकॉल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक बनी हुई टेम्पलेट होगी कहीं वेब मॉड्यूल के अंदर जिसकी आईडी होगी एचटीएमएल कंटेनर, वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो जहाँ पर भी हमें कोई बनी हुई टेम्पलेट कॉल करानी होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टीकॉल। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि ये टेम्पलेट कहाँ पर बनी हुई है और उसका कोड क्या लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले वेब मॉड्यूल में जाएंगे और उसके अंदर हम सर्च करेंगे ये HTML कंटेनर फाइल। XML में हम फिल्टर कर लेते हैं रिकॉर्ड। सो यहाँ पर हमें ये मिल गया। तो इसके अंदर एक दूसरी रिपोर्ट कॉल करा के रिपोर्ट लेआउट, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर बनी हुई है। सो ये भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी ये वाली टेम्पलेट। सो यहाँ पर ये मिल गई हमें टेम्पलेट। एंड नेक्स्ट हमारी है वेब डॉट एक्सटर्नल लेआउट, मींस वेब मॉड्यूल के अंदर एक्सटर्नल लेआउट बनी हुई है टेम्पलेट, उसको कॉल करा रहे हैं। एक्सटर्नल लेआउट इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हमें रिपोर्ट के ऊपर अगर कोई हेडर चाहिए और हेडर के अंदर हमें कंपनी की डिटेल्स चाहिए, मींस हमारा जो सर्वर डेटाबेस बना हुआ है तो उसकी कोई कंपनी होगी, कोई ब्रांच होगी, तो उसका अगर हमें ऑटोमेटिकली हेडर अगर हमें उठाना है उसकी वैल्यू के साथ तो हम उठा सकते हैं। तो वेब के अंदर हम इसे भी सर्च करें एक्सटर्नल लेआउट को, तो ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है ये वाला रिकॉर्ड भी, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, मीन्स जो टेम्पलेट बनी हुई है उसको हम इस तरीके से कॉल कराते हैं टी और टी के अंदर टी कॉल।
और उसके बाद जो भी हमें डेटा लिखना है वो हम HTML टाइप में लिख सकते हैं। सपोज जिस तरह से हम HTML में डिज़ाइनिंग करते हैं उस तरीके से हम क्यू वेब के लिए भी सेम करेंगे। तो हम अगर हमें रिकॉर्ड से वैल्यू फैच करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी टी फॉर ईच डॉक्स टी एज ओ और यहाँ पर हम टी कॉल के बाद लगा देंगे। ये हमने टी एज इसलिए लगाया है जिस तरीके से हमारी पाइथन के अंदर या फिर हर लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप होता है, तो एग्जाम्पल के अंदर हम इस तरीके से क्यू वेब के केस में हम यहाँ पर लगाते हैं टी टी फॉर ईच, मीन्स फॉर लूप लगाएंगे हम इस पर डॉक्स पर और इटरेट करेंगे ओ वेरिएबल पर। डॉक्स का मतलब है जिस तरीके से हमारा सेल्फ होता है पाइथन में, हम सेल्फ से सारी वैल्यू उठाते हैं। यहाँ पर पाइथन फाइल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर अगर हमें पाइथन से वैल्यू फैच करनी है तो हम सेल्फ डॉट फील्ड नेम करते हैं, और अगर हमें क्यूवेब में वैल्यू फैच करनी है तो डॉक्स डॉक्स यहाँ पर सेल्फ का काम करता है, और सेल्फ को हम एलियाजिंग कर रहे हैं एक तरीके से ओ में, मीन्स जहाँ जहाँ पर हम डॉक्स यूज़ करते हैं वहाँ पर हम ओ यूज़ करेंगे। हमने इटरेट कर दिया डॉक्स को, तो हम उसके बाद अगर हमें कोई भी वैल्यू उठानी है फैच करने रिकॉर्ड से तो हम ओ डॉट फील्ड नेम से फैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया, ये हमने सबसे पहले टेम्पलेट बना ली। अब उसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे जिससे ये क्रिएट होगी ये टेम्पलेट। तो हम क्या करते हैं, udo underscore ये डिक्लेयर कर देते हैं रिपोर्ट, यहाँ पर अननेसेसरी थिंग हटा देते हैं और इसका सिंटेक्स करेक्ट कर देते हैं। सिंटेक्स करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एल, और यहाँ पर हम सबसे पहले आईडी चेंज करेंगे इसकी, यूनिक रेस्ट स्टाफ रिपोर्ट आईडी। यहाँ पर मॉडल नेम लिखेंगे हम, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वो प्रिंट बटन लगाना है उस मॉडल का नेम लिखेंगे। सो हमें लगाना है अपने ऑब्जेक्ट में रेस्ट डॉट स्टाफ के अंदर, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बटन लाना है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक्शन का एक बटन आ रहा है जिसके अंदर डिलीट और डुप्लीकेट है, और अगर हम वहाँ पर बना देंगे बटन रिपोर्ट का तो यहाँ पर हमें लेफ्ट में एक और बटन ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट का, जिस पर क्लिक करने पे वो बटन शो होगा हमें। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें बटन लगाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट डॉट स्टाफ, और रिपोर्ट टाइप हमारा क्यू वेब ही रहेगा क्योंकि हमें क्यू वेब रिपोर्ट करनी है, और स्ट्रिंग में हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि उस बटन पर शो होगी। तो हम चाहते हैं कि प्रिंट स्टाफ डेटा, एंड यहाँ पर नेम में हम लिखेंगे मॉड्यूल नेम, जो हमारा मॉड्यूल नेम था, और उसके बाद हम टेम्पलेट की आईडी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अपना मॉड्यूल कॉपी कर लेते हैं, मॉड्यूल नेम, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डॉट उस टेम्पलेट की आईडी। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंड सेम हम फाइल नेम में भी करेंगे। रिपोर्ट टैग भी हमने बना दिया। अब हम मॉड्यूल अपग्रेड करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आता है या नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंट का बटन आ गया जिस पर क्लिक करने पे यहाँ पर प्रिंट स्टाफ डेटा आ रहा है। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक क्यूवेब डाउनलोड हो जाएगी, मीन्स PDF टाइप की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर वेब एक्सटर्नल लेआउट जो हमने यूज़ कराया था ऊपर टेम्पलेट कॉल कराई थी उससे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हेडर आ गया। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू लानी है चेंज, कि अगर ये डेटा हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर कंपनीज मेन्यू के अंदर यहाँ जो कंपनी बनी हुई है इसमें यहाँ पर चेंज कर देंगे। सपोज यहाँ पर हम कर दें ग्रिल्स एंड थ्रिल्स रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर लोगो हम चेंज कर दें। एंड जो एड्रेस डाला हुआ वही रहेगा, और यहाँ अगर सेव करने के बाद यहाँ रेस्टोरेंट पर वापस जाते हैं, और अब अगर हम रिकॉर्ड हम प्रिंट करें दोबारा से
तो अब ये डेटा हमें मिलेगा रिपोर्ट के अंदर। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका लोगो आ गया और नाम चेंज हो गया, और जो एड्रेस उसके अंदर डाला हुआ था कंपनी के अंदर वो, और जो यहाँ पर लिखा हुआ था टाइटल फॉर योर रिपोर्ट वो यहाँ पर आ गया रिपोर्ट के अंदर, टाइटल फॉर योर रिपोर्ट। सो इस तरीके से हम अपनी क्यू वेब रिपोर्ट प्रिंट करते हैं। अब अगर हमें डेटा फेच करना है अपने इस रिकॉर्ड से तो वो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बी आर टैग लगा लेते हैं जिससे कि वो नीचे आ जाए, और यहाँ पे भी सेट आ देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सपोज हम चाहते हैं कि नेम गेट करना चाहते हैं, हम एक यूएल बना लेते हैं सबसे पहले, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नेम, एज, मोबाइल, जेंडर, ईमेल, DOB, कंट्री। एंड अब हम इनकी वैल्यू फैच करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फैच करते हैं, हम स्पैन टैग लगाएंगे और उसमें लिखेंगे टी फील्ड इज इक्वल टू ओ डॉट फुल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो हम इस तरीके से हम वैल्यू फैच करते हैं अपने रिकॉर्ड से। हम स्पैन की जगह कोई और टैग भी यूज़ करते हैं, सपोज हम चाहते हैं डिव यूज़ करें या पी टैग यूज़ करें, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम वैल्यू फैच करेंगे टी हाइफन फील्ड इज इक्वल्स टू यहाँ पर ओ डॉट फील्ड का नेम। सेम इसी तरीके से हम सब में यूज़ करेंगे, एज में हम एज कर देंगे, मोबाइल में मोबाइल कर देंगे, जेंडर में जेंडर कर देंगे, ईमेल में ईमेल कर देंगे, DOB कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर कंट्री अंडरस्कोर ID डॉट नेम। हम many-to-one टाइप का डेटा कैसे उठाते हैं कि यहाँ पर हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद हमें उस रिकॉर्ड के अंदर से हमें क्या वैल्यू चाहिए। सपोज हम चाहते हैं कि कंट्री अगर ID चाहिए तो हम डॉट ID करेंगे, डॉट नेम चाहिए तो नेम करेंगे, हमें कंट्री का कोड चाहिए तो हम कोड गेट करेंगे। सपोज मैं अगर यहाँ से हम यहाँ से चाहते हैं कि कंट्री का नेम इसके अंदर आए, और हम चाहते हैं कंट्री की ID कोड सब लाना चाहते हैं हम, जो भी कंट्री सेलेक्ट है वहाँ, तो हम यहाँ पर कंट्री ID कैसे करेंगे, कंट्री ID डॉट ID, अगर हम चाहते हैं कंट्री का कोड तो कंट्री ID डॉट कोड कर देंगे। सो एक ही many-to-one फील्ड से हम उसके अंदर की सारी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। सो अब अगर हम डेटा प्रिंट करें अपना और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर अब प्रिंट करते हैं अपना डेटा। सो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, नेम दीपक, एज 24, मोबाइल नंबर ये, जेंडर ये, ईमेल ये, DOB ये, कंट्री नेम ये, कंट्री ID ये, और कंट्री कोड ये। और अगर हमें उस many-to-one के अंदर से कुछ और भी चाहिए होता तो हम यहाँ से हम गेट कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर सिर्फ नेम चाहिए था इसलिए हमने नेम करा है, तो हम बाकी ये दोनों चीज़ें हटा देते हैं। सो सारे फील्ड हम इस तरीके से गेट करेंगे। अब हम चेक करते हैं many-to-many के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी टी फॉर ईच, अगर हमें सिंगल वैल्यू मिलती है तो हम डायरेक्ट गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक से ज़्यादा अगर वैल्यू, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर मिलते हैं किसी भी फील्ड के अंदर तो हम लूप लगाते हैं। तो लूप के लिए क्या करते हैं, हम टी फॉर ईच इज इक्वल टू ओ डॉट many-to-many फील्ड का नेम, तो उसका नाम था कंट्री अंडरस्कोर IDS, और उसके बाद करते हैं टी एज, और यहाँ कर देते हैं हम सी
और इसके बाद हम लूप स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं अदर कंट्री आर मेंशनड ब्लो। और यहाँ पर हम करेंगे सी डॉट नेम, मीन्स हमने सबसे पहले मैनी टू मैनी फील्ड पर लूप लगाया ओ डॉट मैनी टू मैनी फील्ड, और उसको इटरेट करा ओवर सी। फिर हम जो इटरेटिंग वाला जो वेरिएबल है उससे वैल्यू फेच करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड था, सपोज जो भी हमने सेलेक्ट करा है, डॉट नेम करेंगे तो उसका नेम आ जाएगा। फिर सेकंड रिकॉर्ड पे आएगा, डॉट नेम करेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड का नेम आ जाएगा। अब अगर अपडेट करें हम, तो यहाँ पर हमें मैनी टू मैनी फील्ड की भी वैल्यू मिल जाएगी उस रिकॉर्ड के अंदर। सो हमारी जो कंट्री थी यहाँ पर दो सेलेक्ट थी, अल्बेनिया एंड एंडोरा, तो यहाँ पर दोनों कंट्री आ गई। हम चाहते हैं कि ये दोनों हर बार यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देते हैं जिससे कि चेंज हो जाए लाइन। तो यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। अब दो कंट्री जो थी, कंट्री मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर, वो ये दोनों आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, वन टू मैनी का डेटा हम गेट करते हैं रिपोर्ट के अंदर। जिस तरीके से हमने मैनी टू मैनी के लिए लूप लगाया था, अब हम सेम वन टू मैनी के लिए भी ऐसी लूप लगाएंगे। तो उस केस में यहाँ पर वन टू मैनी फील्ड का नेम होगा। तो वन टू मैनी फील्ड का नेम जो हमने यहाँ रखा था स्टाफ लाइन आईडीएस, वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। और इसको हम कर देते हैं SL। अब जो वैल्यू हम गेट करेंगे SL डॉट से यूज करेंगे। SL डॉट एंड प्रोडक्ट इज SL डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट नेम। यहाँ पर भी हम डॉट नेम करेंगे, हम प्रोडक्ट की आईडी भी गेट कर सकते हैं, नेम भी गेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कोड एंड जो भी उस रेस डॉट प्रोडक्ट सॉरी जो भी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड होंगे हम प्रोडक्ट आईडी डॉट से गेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें नेम चाहिए तो हम नेम, अगर कोई और फील्ड चाहिए तो उस फील्ड का नेम यहाँ लिख देंगे। और अगर उसके अंदर भी मैनी टू वन फील्ड होगा तो हम उसका भी नेम लिख के डॉट करके फिर उससे आगे भी वैल्यू गेट कर सकते हैं। सपोज प्रोडक्ट आईडी के अंदर कंट्री का एक फील्ड लगा हुआ है, तो हम प्रोडक्ट आईडी डॉट कंट्री, कंट्री का फील्ड का नेम लिख देंगे डॉट, उसके बाद नेम कर देंगे। तो इस तरीके से डॉट नोटेशन के साथ हम वैल्यू फेच कर सकते हैं रिकॉर्ड के अंदर जा जाके। तो अब यहाँ पर अपडेट करते हैं हम और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा वन टू मैनी फील्ड का भी। यहाँ पर अभिषेक यादव एंड प्रोडक्ट इज कस्टमाइजेबल डेस्क, नीरज एंड प्रोडक्ट इज कस्टमाइजेबल डेस्क। वैल्यू हम इस तरीके से फेच कर सकते हैं। बाकी हमारा हम डिजाइनिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसको दूसरे तरीके से हम डिजाइन करें, सपोज यहाँ पर हम लिस्ट ना बना के हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टी आर बना लेते हैं, एक टेबल में विड्थ दे देते हैं, विड्थ 100%। एंड यहाँ टी आर के अंदर टी एच, यहां पर हम हेडिंग लिखते हैं कंट्री
कंट्री आईडी, कंट्री नेम, कंट्री कोड एंड ये हमारी हेडिंग होगी स्टैटिक। एंड हम वैल्यूज पर चाहते हैं लूप लगाएं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लूप लगाया था वो हम इसके अंदर लगा देंगे अब, और स्पैन की जगह हम यूज करेंगे टी आर टैग, और हम वैल्यू उसी तरीके से गेट करेंगे जैसे हमने यहाँ करा था। तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, और टी एच की जगह हम टी डी यूज़ कर देंगे क्योंकि वो हमारी हेडिंग थी, ये हमारी वैल्यू है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ गेट करी थी वैल्यू, हम सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी करेंगे। सी डॉट आई डी और सी डॉट नेम और सी डॉट कोड, हम अगर इनकी विड्थ भी अगर रखना चाहें तो कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 33%, या फिर इसको कर सकते हैं 10% एंड 50% इसको कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं 40। सो अगर अब अपग्रेड करें अपने मॉड्यूल को तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं सिंटेक्स को, और ये वाला कमेंट कर देते हैं हम, और अब अपग्रेड करते हैं मॉड्यूल और फ्रंट एंड से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम अब हम प्रिंट करते हैं अपनी रिपोर्ट और यहाँ चेक करते हैं, तो हमें एक टेबल की फॉर्म में यहाँ डेटा मिल गया। और अब एडजस्ट कर सकते हैं हम विड्थ इसकी भी, सपोज यहाँ चाहते हैं हम यहाँ इसको 15 कर दें और यहाँ 35 कर दें, और यहाँ पर हम चाहते हैं स्टाइल लगाएं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। एंड अब अगर अपडेट करें हम अपना सर्वर तो हमें बॉर्डर भी मिल जाएगा। एंड इस तरीके से हम बॉर्डर गेट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। एंड अब हम चाहते हैं कि ऐसी 1 to many के अंदर भी हम करें, और उससे पहले हम इसके अंदर भी बॉर्डर लगाएं, तो हम उसके लिए हम इसके अंदर भी बॉर्डर लगा देते हैं। जो भी हम स्टाइल लगाना चाहते हैं हम इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर कस्टमाइज स्टाइल लगा सकते हैं। एंड अब यहां पर सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर भी करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं 1 to many के लिए। एंड जिस तरीके से हमने यहाँ करा था कंट्री के केस में, हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे सिर्फ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेम और यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर नेम लिखते हैं सबसे पहले और सेकंड लिखते हैं प्रोडक्ट। और इनकी विड्थ कर देते हैं 40 एंड इसकी कर देते हैं 60। एंड यहाँ पर जो हमने लूप लगाया था लूप चेंज कर देते हैं,
और इसको कमेंट कर देते हैं। इस यूएल को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो हम वैल्यू फेच कर रहे थे सी की जगह हम एसएल कर देंगे और इसका फील्ड नेम चेंज करके नेम कर देंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डॉट नेम और इसको थर्ड को हटा देंगे। और इसकी विड्थ जो हमने फर्स्ट फर्स्ट रो में सेट करी है विड्थ वही सेकंड के लिए भी रहेगी, तो हमें सेकंड में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ प्रिंट करेंगे रिपोर्ट, तो हमें रिपोर्ट गेट हो जाएगी और इसके अंदर सारी वैल्यू में फैच हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर एक वो आ जाए गैप, तो हम यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं एक। और अब अपडेट करते हैं अपना सर्वर। और यहाँ पर प्रिंट करते हैं। सो इस तरीके से हम मैनी टू मैनी और मैनी टू वन, वन टू मैनी एंड नॉर्मल डेटा हम QWeb रिपोर्ट में गेट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।